भारत दम पर, सपनों पर, चाहतों पर चलता एक ऐसा देश है जो रुकना नहीं जानता। यहां अगर आगे बढ़ना है तो बस दिल में चाहत का होना जरूरी है। भारत को चाहत थी आसमां पर छा जाने की, जुनून और तकनीकी ताकत दुनिया को दिखाने की और कम से कम खर्चे में मंगल को छुआने की। हम में चाहत थी सो हमने कर दिखाया। अब जब भारत के चर्चे आसमान तक पहुंच चुके हैं तो जमीन पर इसी सफलता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है महिंद्रा और पेश करता है ट्रक्सो 37 टन सेगमेंट में एक ऐसा रिजिड बॉडी ट्रक जिसका जबरदस्त पेलोड और दमदार माइलेज ना सिर्फ आपको चौंका देगा बल्कि आपको उम्मीदों से कई ज्यादा भी दे जाएगा। महिंद्रा ने ट्रक्सो 37 को कई तरह के इम्तिहानों से गुजारा। इन्हीं इम्तिहानों का एक हिस्सा था माइलेज टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान 3 कंपेटिटिव ब्रांड के ट्रक्स को एक ही स्थान, एक ही पेलोड और समान डीजल मात्रा के साथ कई तरह के रास्तों पर चलाया गया। हर स्टॉप पर ओडोमीटर रीडिंग्स ली गई और टैंक को डीजल से भरकर एवरेज कैलकुलेट किया गया। हमने पाया कि रास्ते चाहे जितने उबड़ खाबड़ हों, पहाड़ी हों, घाट जैसे टेढ़े मेढ़े या फिर हाईवे जैसे सीधे हों, महिंद्रा ट्रक्सों ने दूसरों के मुकाबले दिया 10% ज्यादा माइलेज। अभी हमने जैसे गाड़ी का एवरेज भी निकाला था ड्राइवर के कहने से, लोडेड व्हीकल में हमको 3.3 का मिल रहा है और खाली जो एक बाजू लोड एक बाजू अनलोडिंग आता है 6.6 का एवरेज मिल रहा है। वी आर गेटिंग 4 किलोमीटर्स पर लीटर वेयर एज वी वोंट बी गेटिंग दैट मच माइलेज कंपेयर टू द अदर कंपटीशन व्हीकल्स। The tire mileage is also too good. They are performing well. Actually, we are getting about 8 trips per month in this vehicle, you know. Because of that 1 ton extra payload, you know, we are getting about $2,000 extra. Around 8 trips means, you know, it's $16,000 extra, you know, when compared to other competitor vehicles, we are getting around that. Chassis ki jo weight hai, jab usko compare kiya to mujhe aisa laga ki isme around 500 to 600 kg ka benefit mujhe loading mein mil sakta hai. अब वो जब गाड़ी ली मैंने और जब गाड़ी बनाई तो एग्जैक्टली वो था 550 ऑलमोस्ट वो केजी था वो। अब एक लॉन्ग टर्म की बात करें अपन की, एक आप 2000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर गाड़ी जा रही है उसके फ्रेट की आप बात करें तो वो महीने में आपको 5-6 हज़ार के अराउंड आपको एडिशनल बेनिफिट वो चीज़ दे देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन महिंद्रा ट्रक्सो 37 टनर द लिफ्ट एक्सल इज ऑलमोस्ट रियर इन द व्हीकल whereas in other brands and all the lift axle will be after the before the live axle whereas in off-roading and all it gets stuck and the issues are there in Trukso it is performing good. से अब बड़ी गाड़ी है Trukso 37 almost इसकी 30 फीट की लेंथ रहती है तो इतना बड़ा ट्रक चलाने में उसको लगता ही कहीं मुझे शार्प टर्न लेना है तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे शुरू में मुझे ड्राइवर्स ने बोला जब वो लेकिन ट्रिप लगा के आया तो उनको लगा कि नहीं मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं इतनी बड़ी गाड़ी चलानी पड़ रही है। द ड्राइवर कंफर्ट इज यू नो व्हेन यू कंपेयर टू द अदर व्हीकल्स द ड्राइवर कंफर्ट इन दिस कैबिन स्पेशली इन दिस कैबिन इज यू नो इट्स मच मोर कंफर्टेबल यू नो आई यूज्ड टू ड्राइव समटाइम्स ओके इट इज वेरी वेरी ईजी टू ड्राइव इन दिस व्हीकल इट्स लाइक द गियर शिफ्ट एंड एवरीथिंग इज यू नो इट्स वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव इट्स लाइक ड्राइविंग ए कार ओके। इस गाड़ी में ड्राइवर 37 टन में ड्राइवर का कंफर्ट होने से ड्राइवर गाड़ी वो उसको थकान कम लगने से वो ट्रिप भी हमको ज़्यादा देता है हमको ड्राइवर से ड्राइवर की परेशानी भी नहीं रहती है। एंड इंसिस्टिंग ऑन द सेम थिंग वी आर ऑलरेडी डिसाइडेड एंड ऑलरेडी वी बॉट 3 मोर व्हीकल्स एंड दे आर अंडर बॉडी बिल्डिंग। एक्चुअली में मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी महिंद्रा 14 व्हील लेने से पहले वो काफ़ी हद तक मतलब 99% भी बोले तो फुलफिल्ड है। शायद इसीलिए मैंने एक ट्रक और खरीदने का इरादा बनाया है अदरवाइज कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो सेकेंड ट्रक के लिए नहीं जाए। मैक्सिमम माइलेज मैक्सिमम पेलोड एंड मैक्सिमम फीचर्स के साथ पेश है विनर ऑफ HCV रिजिड कार्गो कैरियर ऑफ द ईयर 2015 महिंद्रा ट्रक्सो 37 बड़े सपनों की बड़ी गाड़ी।